दोस्तों आपने अक्सर देखा होगा कि छोटे बच्चों के जब दांत निकलते हैं तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। ये एक बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देने वाली प्रोसेस से गुजरना होता है उनको, क्योंकि जब बच्चे छोटे होते हैं 6 से लगभग 8 महीने के होने लगते हैं तब उनके नीचे के दो छोटे छोटे दांत निकलने लगते हैं और कई बार उनके मसूड़े यहाँ पे ऐसे फूल जाते हैं और उनको बहुत दर्द होता है, तो वो बहुत रोते हैं, ना ही वो अपना पेन बता पाते हैं ना ही वो उसको सह पाते हैं, तो बच्चे बेचारे रोते रहते हैं। कई बार उनके दांत निकलने में उल्टी दस्त भी उनको हो जाती है या फिर कई बार इवन उनको निमोनिया हो जाता है और इवन उनको एडमिट भी करना पड़ जाता है। तो ये जो उसकी प्रोसेस होती है बहुत ज़्यादा तकलीफ़ वाली प्रोसेस होती है, उनको बहुत दर्द होता है। तो इस प्रोसेस से बचने के लिए आप उनको ये टीथिंग सिरप दे सकते हैं। ये टीथिंग सिरप बहुत कारगर होता है क्योंकि ये जो इसके आयुर्वेदिक इंग्रेडिएंट होते हैं उनका डाइजेशन भी इम्प्रूव करते हैं और बोन्स में उनकी डेंसिटी देते हैं ताकि जो उनके दांतों का इरप्शन है वो बहुत आसानी से हो जाए, फिर ना ही उनको उल्टी दस्त होगा ना ही उनको निमोनिया होगा, और अगर बाई चांस इस तरीके का होता भी है तो उनको बहुत कम होगा, मतलब ज़्यादा तकलीफ़ नहीं होगी। और ये जो टीथिंग सिरप है ये वांडेर केमिकल्स का है, इंदौर में इसकी मैन्युफैक्चरिंग होती है, एमपी के इंदौर में, और ये हर जगह आपको आसानी से मिल जाएगा। लगभग ये 50 रुपये का आता है और 2 साल की इसकी एक्सपायरी होती है। और अगर अपन इसके इंग्रेडिएंट की बात करें तो इसमें कार्डेमम होता है, कैरावे होता है, सिनेमम होता है, सोर्बिटॉल होता है, जो कि उनका डाइजेशन तो इम्प्रूव करता ही करता है और जो जैसे उनकी कई बार लार बहने लगती है तो वो उसको भी रोकता है, कंट्रोल करता है और उनके दांतों के निकलने के लिए बहुत ज़्यादा कारगर है। अगर अपन इसके डोजेस की बात करें तो ये लगभग 30 बूंद से 60 बूंद तक बराबर मात्रा में उबले ठंडे पानी के साथ दिन में 4 बार देना है इनके हिसाब से, और ये 6 महीने से ऊपर के बच्चों को देना है। लेकिन मेरा सजेशन ये है कि आप उनको 1 ml, जैसे 6 महीने का है तो स्टार्टिंग करिए 1 ml सुबह 1 ml शाम को। तो पहले आप एक जो बाउल में पानी लीजिए उसको उबाल लीजिए, फिर उसको ठंडा कर लीजिए, फिर उसके बाद उसको उसमें 1 ml सुबह सेम बराबर मात्रा में पानी मिलाइए और दोनों चीज़ें मिला के उसको दीजिए। एलोपैथी मेडिसिन आप अपने बच्चे को कब तक देंगे? अगर उसको निमोनिया हो जाता है तो आपको उसको एडमिट ही करना पड़ता है। तो आप एक बार ये जो आयुर्वेदिक इस तरीके की मेडिसिन ट्राई करके देखिए, आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। और ये अगर आप बच्चे के 6 महीने से स्टार्ट करते हैं, जब 6 महीने का होता है तो लगभग ये आपको 1.5 से 2 साल तक देना है, जब तक उसके पूरे दांत निकलना है। क्योंकि क्या होता है कि जब जो दाढ़ें निकलती हैं यहाँ पे वो मसूड़े उनके फूल जाते हैं तो बहुत ज़्यादा उनको तकलीफ़ होती है, तभी आप इसको दे सकते हैं। तो मतलब आप इसको 6 महीने से स्टार्ट करके 2 साल तक लगभग आप इसको देना है और धीमे धीमे आपको इसका डोज बढ़ाना है, मतलब 2 ml तक जाना है आपको, 2 से 3 ml तक, क्योंकि इनके हिसाब से 30 बूंद से 60 बूंद तक जाना है। तो मतलब एक जो 10 बूंद का एक ड्रॉपर होता है वो 10 बूंद का 1 ml बनाता है, तो आपको उतना ही पानी लेना है, उतना ही इसका लेना ड्रॉप लेना है और दिन में आपको इसको 2 बार देना है। तो दांत निकलने में बच्चों को ज़्यादा तकलीफ़ नहीं होगी और वो आसानी से उनके दांत निकल जाएंगे, क्योंकि जब बच्चे परेशान होते हैं तो साथ में उनके पेरेंट्स भी परेशान हो जाते हैं। तो इस तकलीफ़ से बचने के लिए आप ये टीथिंग सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं। लगभग ये 50 रुपये की आती है और इसकी एक्सपायरी 2 साल की होती है। तो ये आपको मार्केट में हर जगह मिल जाएगी, आप इसको इस्तेमाल करिए, इसका रिज़ल्ट देखिए, फिर आप दूसरों को भी सजेस्ट कर सकते हैं।